पैर पीछे हलासन ये। अब फिर चक्रासन करो, चक्रासन खड़े होके करो। सब बच्चों को ये आसन करने, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, फिर खड़े हो जाओ। और एक चक्रासन कर, और इसमें पलटी लगा के कौन दिखाएगा, पलटी लगा, ये लगा, फिर से फिर लगा, हाँ पलटी लगा, ये ये भाई, ये भी लगा रहे, लगा ऐसे। बच्चों में इतनी एनर्जी होनी चाहिए। हाँ फिर बैठ के करो पश्चिम तानासन, देखो ऐसे। आप भी बच्चों करो, हाथ उठाओ साइड से और आगे झुक जाओ माता कुंड से। ये झुको, आगे झुक के माता घुटनों से लगाना है। ऐसे पांच आसन सबको करने, फिर ये बटरफ्लाई करो ऐसे, फिर कठिन आसन को अभी और बताएंगे। ये पांच आसन कम से कम कंपलसरी। और कठिन वाला आसन कौन जानता है? वृश्चिक आसन। और वो करो गुड़िया, इधर इधर कर, पैर उठाओ, ये देखो ये किया। करो करो ये, ऐसे एक कठिन कठिन आसन के देखो सारे का। तो ये बच्चे अभी सीखते हैं, रोज दिन में पढ़ाई करते हैं, सुबह एक घंटा योग करते हैं। और अभी हमारे प्रचंड साहब आए तो इन्होंने मंत्र पाठ भी करके सिखाया। ऐसे मयूरासन भी आता है, ये देखो मयूरासन ऐसे होता है, मैं करके दिखाता हूं, करो मेरे साथ साथ। बच्चों को ऐसे करना चाहिए। अरे मैं 9 साल का था तब से शीर्षासन करता हूं। ऐसे रोज करना। ये कुछ छोटे, ये छोटे बच्चे भी कर रहे हैं नीचे भी। तो ये जो ऐसे बच्चे करेंगे वो कभी रोगी। हाँ और अभी प्राणायाम चल रहा था, ये तो बीच में आसन बताए, अब एक प्राणायाम तो हमारे प्रचंड साहब भी करके जाएंगे। ये दिमाग के लिए मैं बोल रहा था, लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन, ये अनुलोम विलोम से ठीक होता है सारा। प्रदीप साहब ये आए मेरे पास, ये फिर आपको भेज दूंगा एक बार। ये लो बच्चे कितने खुश हो गए, इसका मतलब आपका देश का प्रधानमंत्री भी योगी है। सबको योगी बनना है, निरोगी बनना है, उपयोगी बनना है समाज के लिए। प्रचंड साहब दया उठाओ, बाएं से लो, अब बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो,
बाएं से छोड़ो। ये तो पूरा अच्छा कर दिया आपने पहली बार में। ये है अनुलोम विलोम, ये है अनुलोम विलोम। क्या है ये? बहुत अच्छा है। फिर एक होता है ऐसे भ्रामरी की तरह, फिर ओम। ये इतना तो सबको करना है। तो अभी हमारे प्रचंड साहब को, क्योंकि ओम 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 वाला प्राणायाम, देखो ये भ्रामरी, इससे स्ट्रेस एकदम दूर हो जाता है। ये आपको तो बहुत जरूरी है, राजनीति में बहुत स्ट्रेस रहता है। तो ये अनुलोम विलोम स्ट्रेस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के लिए, राइट लेफ्ट ब्रेन के लिए, पूरे सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम। फिर भ्रामरी, भ्रामरी और उद्गीत करके आपको विदा दे देंगे। तो आइए सब बच्चे भी करेंगे, सब बच्चे हाथ उठाएंगे, पहले उंगली माथे पर से, तीन उंगली ऐसे, कान बंद और मुंह बंद करके नाद करते हैं ऐसे। ऐसे कम से कम तीन बार करना, फिर दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में लेके और तीन बार ओम बोलेंगे। सभी आइए, सब लंबा गहरा सांस भरेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए और दोनों हाथों को फिर ऐसे आंखों पर रख के आंखें खोलें। ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये पांच प्राणायाम, पांच आसन सबको करने जरूरी है। और हमारे प्रचंड साहब भी थोड़ा थोड़ा रोज योग करते हैं, इसलिए इतने मजबूत है। तो अभी इनको जाना है और आगे आपको और योग कराना है। एक चैप्टर पूरा हो गया प्राणायाम का और ओंकार के ध्यान का, अब आपको व्यायाम कराएंगे। सब बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हमारे साथ अभी व्यायाम करेंगे और हम प्रचंड साहब को विदा करेंगे। तो एक बार जोरदार अभिनंदन प्रचंड साहब का। ऐसे बैठो, ऐसे।
की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते तक दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के साफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के यह देश तो 12 एक्सरसाइज हुई उसको बोलते हैं योगी जोगी क्या बोलते हैं योगी। अब ये अगली एक्सरसाइज आप सीखेंगे सामने सूर्य नमस्कार क्या नाम है बच्चों इसका बोलो। ये हमारे पतंजलि सेवाश्रम के बच्चे करके दिखाए दोनों हाथ सामने आप लोग खड़े खड़े देखे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ना तो देखिए ये सामने इधर भी बच्चे कर रहे हैं इधर भी बच्चे कर रहे हैं दोनों हाथ सामने जहां जगह हो बच्चे कर लेंगे फिर दोनों हाथ पीछे फिर झुक जाएंगे आगे फिर दाहिना पैर आगे बायां पीछे ये बहुत सुंदर फिर ये दाया भी पीछे फिर झुक जाइए फिर उठ जाइए सामने से क्या बात है फिर वापस फिर बाएं पैर आगे फिर दाहिना भी आगे फिर हाथ पीछे और फिर हाथ आगे ये हो गया सूर्य नमस्कार क्या नाम है इसका बोलो। जो बच्चे सूर्य नमस्कार रहे करेंगे उनकी बॉडी रहेगी एकदम फिट बॉडी रहेगी एकदम हेल्थ फिगर्स और अच्छी फिटनेस के लिए रोज करना है सूर्य नमस्कार क्या करना है बच्चों बोलो। सूर्य नमस्कार बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए दो चार आसन है ये है ध्रुवासन देखो सब बच्चे करेंगे मेरे साथ साथ बाएं पैर ऐसे लगाइए वृक्षासन भी कहते हैं इसको दोनों हाथ ऊपर इस आसन का नाम है वृक्षासन क्या नाम है इसका बोलो। इससे बढ़ेगा कंसंट्रेशन क्या बढ़ेगा कंसंट्रेशन एकाग्रता बढ़ेगी। फिर एक और है लैक्स किसी किसी की कमजोर है उसके लिए गरुड़ आसन क्या नाम है आसन का नाम बोलो बच्चों। दाहिने पैर में बाया पैर फंसाएंगे और बाया हाथ में दाहिना फिर दूसरी ओर से ये
ये बॉडी की बैलेंस के लिए, फिर बॉडी को आगे पीछे झुकाते हैं, उसको फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग कहते हैं फिटनेस के लैंग्वेज में। आगे झुकते हैं, आगे झुकेंगे सब बच्चे, आगे झुको, माथा घुटनों से लगाओ, इसका नाम है पाद हस्तासन। माथा घुटनों से लगा दिया, फिर हाथ ऊपर, फिर हाथ साइड से और पीछे झुके तो ये बैठ जाओ, बैठो। ये है बटरफ्लाई, क्या नाम है इसका बच्चों बोलो? ये तो अच्छा है ना, ये तो सब कर सकते हैं ना, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ये कुछ तो कठिन कुछ सरल आसन आपको बताएं। फिर ये बटरफ्लाई के बाद आप करेंगे पद्मासन, क्या करेंगे बोलिए? दाहिने पैर को बाएं पर रखेंगे, बाएं को दाहिने पर, सामने वाले बैठ दो बच्चों। ये है पद्मासन, सब बच्चे बोलेंगे जोर से, क्या नाम है इसका? पद्मासन करने से जिंदगी भर आपके नी ब्लैक्स अच्छे रहेंगे। इस आसन का सभी बच्चे नाम बोलेंगे, क्या नाम है बोलो? और इसमें आगे झुक जाते हैं तो योग मुद्रा आसन, ऐसे झुक गए। थोड़ी जमीन पर टिकाओ, ये फिर वापस। ये पद्मासन तो पढ़ते समय भी कर सकते हैं। फिर एक है बैठ के वज्रासन, पैर मोड़ लो, एड़ी बाहर पंजा अंदर, ऐसे बैठ जाओ, एड़ी बाहर पंजा अंदर, इसका नाम है वज्रासन। क्या नाम है बच्चों बोलो? जो बच्चे वज्रासन करेंगे उनका पेट कभी खराब, बाकी आसन प्राणायाम खाली पेट करते हैं, वज्रासन और पद्मासन खाने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बैठ के आप पढ़ भी सकते हैं। तो इस आसन का नाम है पद्मासन पहले, और ये इसका नाम क्या बताया? वज्रासन। जोर से बोलो, क्या नाम है इस आसन का? अच्छा, वज्रासन में अब जैसे आपको हेल्थ बहुत अच्छी करनी है तो पीछे भी झुक सकते हैं, तो सुप्त वज्रासन लेट जाओ, पीछे लेट जाओ, दोनों हाथ जंघाओं पर रख दो, ये सुप्त वज्रासन हो गया। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, पैर पास में रखो, ये तो ये सुप्त वज्रासन। वापस फिर इसी में खड़े घुटनों पर खड़े होकर पीछे झुक जाते हैं, तो ये उष्ट्रासन हो गया। और फिर से पूरा ही निकालो, ये देखो ये पूरा ही झुक गया, तो पीछे सिर ऐसे लग गया। एक गुड़िया इधर आओ, बीच वाली गुड़िया इधर आओ, ये देखो ऐसे, आप भी करो इधर आओ, देखो ये बच्चे वापस आ जाओ, ये पूरा पूर्ण उष्ट्रासन कर देते हैं, आप भी करो उधर ऐसे करो, पीछे से निकालो, ये एक बार ताली बजा दो इनके लिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं अभी सीख रहे हैं, वापस आ जाओ। तो ये आपको कठिन कठिन आसन भी बता दिए, सरल सरल भी। तो ये वज्रासन कर लेना, पद्मासन कर लेना, और कुछ नहीं हो तो छोटे छोटे आसन तो कर ही सकते ना, कठिन कठिन नहीं होते हैं तो, है ना? तो ऐसे सब आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे और ओंकार का ध्यान करेंगे। ओम, सब बोलो बच्चों। पद्मासन में ऐसे ही बैठ के 7 से 11 बार ओम और गायत्री का जप जो बच्चे कर लेंगे उनका दिमाग तेज हो जाएगा,
मंत्र का जप करने से बुद्धि तेज होती है। गायत्री मंत्र में तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, अच्छी बुद्धि दो। सब मेरे साथ बोलो, ओ ऐसे कम से कम 3, 5, 7 बार ओम का जप करना, फिर गायत्री का जप करना। कैसे? सब बच्चे बोलेंगे ओम भूर्भुवः तत्सवितुर् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे 3 बार 7 बार 11 बार तक बोल सकते हैं, इससे दिमाग तेज हो जाता है। मेरे साथ सब बच्चे बोलेंगे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। सब बच्चे हाथ जोड़ के बैठेंगे मेरे साथ, बोलेंगे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, माता भूमिः, पुत्रोऽहं पृथिव्याः। ये आपको वैदिक संस्कृति के वेदों के कुछ उपनिषदों के आपको मंत्र बुलवाए। माता पिता इस धरती पर भगवान के मूर्त रूप हैं। सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हो, सुबह उठ करके ऐसे मत्था टिका के और ऐसे माता प्रणाम करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। इससे 4 चीजें मिलती हैं। बड़ों को प्रणाम करने से कितनी चीजें मिलती है, इसका ये बेनिफिट है, ये लाभ है। सब मेरे साथ बोलो अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर् विद्या यशोबलम्। बड़ों को जब प्रणाम करते हैं तो 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु क्या बढ़ती है बोलो, जब बड़ों से हमको प्रणाम करते हैं तो बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं, क्या बोलते हैं, आयुष्मान भव। तो बड़ों को प्रणाम करते हैं तो किसका आशीर्वाद मिलता है, लंबी आयु का, आयु। फिर विद्या, हाँ बड़ों को प्रणाम करते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता, हमारी विद्या नॉलेज बढ़ती है, आयु विद्या। तीसरा यशस्वी बनते हैं, यशस्वी भव, बड़े आशीर्वाद देते हैं ना, आयु विद्या यश बल। चौथी चीज क्या बढ़ती है, तो बड़ों को प्रणाम करने से कितनी चीजें मिलती है, क्या क्या, आयु दूसरा, विद्या तीसरा, यश चौथा, बल। हम आयुष्मान होते हैं, विद्यावान होते हैं, यशस्वी होते हैं और बलवान होते हैं। तो सब बच्चे कल उठ करके माता पिता को क्या करेंगे, बोले सुबह उठ करके क्या करेंगे माता पिता को प्रणाम। हाँ यह हमारी परंपरा है, यह हमारी संस्कृति है। अभी इस कार्यक्रम के बाद बहुत बड़ा यहां अपने नेपाल की जो संस्कृति है उसके अलग अलग नृत्य भी होंगे, उसका भी आनंद लेंगे, तो चलो आपको सारा आनंद करवाएंगे। तो आज एक संकल्प लेके जाएंगे, सुबह उठ करके माता पिता को क्या करेंगे प्रणाम, गुरुजनों को बड़ों को क्या करेंगे प्रणाम, उनका आशीर्वाद लेंगे, इससे 4 चीजें मिलेंगी। और अगली बात, ये तो अभी एक ही चैप्टर हुआ, अभी खान पान वाला तो चैप्टर बाकी रह गया है। सुबह उठ करके क्या पीना है, पानी। सुबह उठ करके सब बच्चों को क्या पीना है बोलो, अभी आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के सूत्र दे रहे हैं, किसके, हेल्दी, जोर से बोलो हेल्दी। सुबह उठ करके क्या पीना है बच्चों बोलो, जो सुबह उठ करके पानी पिएंगे उन बच्चों को पेट की बीमारी, उनको लाइफ में कभी ब्लड प्रेशर, उनको कभी किडनी में स्टोन। अभी मैंने बताया था हमारे बॉडी के कोई भी स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, हार्ट, लिवर, कोई भी सेल है उसमें 70% क्या मेटीरियल होता है,
वाटर और 30% दूसरे सॉलिड मटेरियल्स। तो पानी बहुत जरूरी है और सुबह सुबह का पानी औषध है, दवा है, मेडिसिन है। सुबह उठ करके क्या पीना है सब बच्चों को? अब पानी के बारे में तीन चार बात बताते हैं। खाने के एक घंटे बाद पानी पीना है। खाने के कितनी देर बाद पानी पीना है बच्चों? खाने के तुरंत बाद पानी विष के समान होता है। एक संस्कृत में श्लोक है, बोलेंगे भोजनान्ते, बोलो भोजनान्ते विषम वारी। भोजन के अंत में विषम वारी, वारी बोलते जल को, जल नीरतो वारी, पानी, ऐसा इसके नाम है पानी के। भोजनान्ते विषम वारी, पानी यदि खाने के बाद पियो तो कैसा हो जाता है? विष। इसलिए खाने के बाद तुरंत पानी। अच्छा, खाना चबा चबा के खाना, खाना उससे भोजन पूरी तरह डाइजेस्ट होता है। कुछ तो इतना जल्दी जल्दी खाना खाते हैं जैसे घर में ही चोरी करके खा रहे हो, कुछ इतना जल्दी जल्दी खाते हैं जैसे बिल्कुल ही भूखे नंगे हो, कुछ इतना जल्दी जल्दी खाते हैं, इतना जल्दी जल्दी खाते हैं कि वो भोजन चबता भी नहीं, पूरा ऐसा कैसा ही निगल जाते हैं। सुनो, भोजन चबा चबा के खाना, खाना कैसे खाना? जल्दी जल्दी खाना। खाना खाते समय गुस्सा, खाना खाते समय ज्यादा बात, अभी छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, वैसे गुस्सा करना चाहिए क्या, बोलो? आप गुस्सा करते हो कि नहीं करते? जब पढ़ाई पूरी नहीं होती और टीचर आपको डांट देते हैं तो गुस्सा करते हो कि नहीं करते? अंदर अंदर आता है। और जब आपको पढ़ने का समय हो और टीवी देखने लग जाओ, कार्टून देखने लग जाओ या खेलने लग जाओ, तो माँ बाप डांटते हैं तो गुस्सा आता है कि नहीं आता? और कई बार खाने के समय खाना नहीं खाते और माता पिता थोड़ा डांट देते, बेटा खाना खाओ, तो गुस्सा करते हो ना? और सुनो, आज एक संकल्प लेके जाओ। मुझे बचपन में बड़ों ने सिखाया, उसके बाद मैंने एक बार भी अपने माता पिता पर गुस्सा, अपने गुरुजनों पर गुस्सा। सुनो बच्चों, आज के बाद अपने माता पिता पर और गुरुओं पर गुस्सा, बड़ों पर गुस्सा, जोर से बोलो गुस्सा। गुस्सा करने से अपना दिमाग खराब होता है, गुस्सा करने से दिमाग, गुस्सा करने से अपने को पाप भी लगता है, गुस्सा करने से अपने को क्या लगता है, बोले ये काम करना चाहिए क्या? गुस्सा करते हैं, कुछ नाराज हो जाते हैं, रूठ के बैठ जाते हैं, रूठ जाते हैं। कभी भी नाराज, गलत काम नहीं करना चाहिए, नाराज नहीं होना। गुस्सा, झूठ, चोरी, अच्छा बोलो चोरी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? एक तो पहली बात है कि दूसरे की चीज चोरी करने का हमें अधिकार, और दूसरा चोरी करने से चोरी करने की आदत पड़ जाएगी, चोरी करने की, झूठ बोलने से झूठ बोलने की, गाली देने से गाली देने की। सुनो बच्चों, जो हम बार बार करते हैं उसकी पड़ जाती है आदत, जो हम काम बार बार करते हैं उसकी क्या पड़ जाती है? इसलिए गलत काम एक बार भी, अच्छा काम करना। आपको बॉडी बहुत अच्छी बनानी है तो रोज एक्सरसाइज करना, कम से कम 20 मिनट रोज। कितनी देर एक्सरसाइज करना? और अच्छा खाना खाना, कैसा खाना खाना, तो आपकी बॉडी स्ट्रांग बन जाएगी। छोटी सीधी सी बात है, अच्छा काम जरूर करना।